हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लाई नंबर्स नियर 100। अब 100 के आसपास देखिए 99 और 94 दोनों ही नंबर्स क्या हैं, 100 के आसपास के नंबर्स हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे। 100 और 99 का डिफरेंस चेक करते हैं, तो दैट इज -1। इसका डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो -6 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, 99 में से या तो मैं 6 को माइनस कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं 94 में से 1 को माइनस कर दूँ, मेरे पास सेम आएगा दैट इज 93। तो मुझे यहाँ पर मिल गया है 93। अब नेक्स्ट बिकॉज ये 0 के आसपास है, 100 के आसपास है, 2 जीरोज हैं, तो मैं 2 जीरोज यहाँ पे लगा दूंगी। क्लियर हुआ। सबसे पहले मैंने डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस चेक करने के बाद दोनों में से 99 में से मैं 6 को भी माइनस कर सकती हूँ, 94 में से मैं 1 को माइनस कर सकती हूँ, दोनों केसेस में मेरा आंसर सेम आ रहा है दैट इज 93। 93 मैंने यहाँ लिखा और बिकॉज ये 100 के आसपास नंबर्स हैं तो मैंने 2 जीरोज यहाँ पे लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, 6 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आया, 6 आया। तो मैं क्या करूँगी, 6 है ये, प्लस का है तो प्लस कर दूंगी यहाँ पे, तो 9306 इज माई आंसर। बस इतना ही ईजी होता है, बस इतने से स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट करके देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे ध्यान से देखना है इसको। 95 -5 का डिफरेंस आ गया, 104। अब ध्यान से देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे +4 का डिफरेंस आया, ठीक है। यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, -5 का, और यहाँ पे क्या आया, +4 का डिफरेंस आया, ओके। अब नेक्स्ट चेक हमारा सेम होता है, 95 अब +4 करेंगे, ठीक है। 95 +4 कर सकते हैं, 104 -5 कर सकते हैं, क्रॉस देखना होता है हमने, 104 -5 कर सकते हैं या फिर 95 +4 कर सकते हैं, दोनों केसेस में हमारे पास क्या आएगा दैट इज 99। तो 99 हमें मिल गया। अगेन क्या है, हम 100 को बेस लेके चल रहे हैं, 100 के आसपास नंबर्स हैं तो 2 जीरोज हमने लगा देनी है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी मुझे मिलेगा 20, बट 20 का पॉजिटिव मिलेगा नहीं, बिकॉज एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 20 मुझे मिलेगा नेगेटिव, माइनस का 20 मिलेगा, मीन्स हमने इसमें से 20 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 10 में से 2 माइनस किया दैट इज 889, तो 9880 दिस इज माई आंसर। तो नेक्स्ट जो है 104 को अगर आपने 94 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इसी ट्रिक को यूज करके आपने मुझे बताना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।